दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसके बारे में बताता हूँ। तब तक अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ भी हुआ है तो बने रहे इस वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने अपने आईफोन को चार्ज में लगाया तो उसमें हमें कुछ पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिला, जिसमें लिखा है चार्जिंग नॉट अवेलेबल, लिक्विड हैज बीन डिटेक्टेड इन द लाइटनिंग कनेक्टर, डिसकनेक्टेड टू अलाउ द कनेक्टर टू ड्राई, चार्जिंग मे बी डैमेज योर आईफोन। और इसके नीचे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इमरजेंसी ओवरराइड और डिसमिस। अगर आप डिसमिस कर दोगे तो आपका चार्ज रुक जाएगा और आपका फ़ोन डैमेज होने से बच जाएगा, लेकिन अगर आप इसको इमरजेंसी ओवरराइड पर कर दोगे तो आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा लेकिन आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। दोस्तों आईफोन में ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आपके फ़ोन में कुछ लिक्विड चला जाएगा तो आपका फ़ोन ख़राब होने से पहले आपको इंडिकेट कर देगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारे फ़ोन में ऐसे प्रॉब्लम हो जाए तो उसको ठीक कैसे करेंगे। कल रात को मेरे फ़ोन में ये दिक्कत आ गई थी, तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे इसको सही कर सकते हो, आपको एप्पल के सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके भी चार्जर जैक के अंदर लिक्विड चला गया है तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इसको चार्ज में बिल्कुल भी ना लगाएं। जैसे ही आपने फ़ोन को चार्ज में लगाया और आपको पता चल गया तो अपने फ़ोन को उसी टाइम चार्ज से निकाल दे। और इसको सही करने का दो तरीका है, या तो अपने फ़ोन को 2-4 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दे और फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करके दोबारा चार्ज में लगाए। अगर आपको फिर से यही मैसेज देखने को मिलता है तो सबसे बेहतर होगा कि आप अपने फ़ोन को पूरे 12 घंटों तक छोड़ दे और उसके बाद आप चार्ज करोगे तो ज़रूर चार्ज होने लगेगा। एक बात और, अगर आप चाहो तो धूप में थोड़ी देर रख सकते हो, इससे आपका फ़ोन का लिक्विड जल्दी सूख जाएगा और जल्दी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था कि आप अपने फ़ोन के 12 घंटों के लिए छोड़ दो, नहीं तो थोड़ी देर धूप में रख सकते हो। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे ठीक किया अपने फ़ोन को। मैंने जिस तरीके से अपने फ़ोन को सही किया उसके लिए आपको इतना देर वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका फ़ोन तुरंत ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी इतना देर वेट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इस फ़ोन को अलग तरीके से सही किया, जिसमें आपको केवल 5 मिनट में आपका फ़ोन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक हेयर ड्रायर की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो जो छोटा वाला रूम हीटर होता है उससे भी आप अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हो। दोस्तों मेरे फ़ोन में कल रात को 11 बजे ये प्रॉब्लम हुआ था और उस टाइम हेयर ड्रायर मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि रूम हीटर से ही करके देखते हैं और मैंने उसी के मदद से अपना फ़ोन सही कर लिया। तो दोस्तों आपको अपने हेयर ड्रायर या रूम हीटर से इसके चार्जिंग पॉइंट की तरफ थोड़ी देर के लिए हीट करना होगा, और जब आप इसको हीट कर लोगे तो आपको थोड़ी सी कॉटन की जरूरत पड़ेगी। इस कॉटन को आपको इसके चार्जिंग जैक के अंदर डाल देना है और किसी पिन के सहारे इसके अंदर कॉटन से साफ कर लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर कुछ देर कॉटन डाल के छोड़ दो, ताकि इसके अंदर कुछ लिक्विड होगा तो कॉटन उसको सोख लेगा। और फिर आप इस कॉटन को निकाल के जैसे ही चार्ज में लगाओगे आपका फोन बिल्कुल पहले की तरह चार्ज होने लगेगा। ये मैंने कल ही ट्राई किया है, बिल्कुल 100% वर्क करेगा ये जुगाड़। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।